इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर जो मेन हमारा चैप्टर नंबर टू है उसका जो टाइटल है वो है आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। कम्युनिकेशंस में हम उसको देखते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन की डायरेक्शन क्या होगी, कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या होंगे, एंड थर्ड उसका मेन पार्ट है वो आपका है कि आपकी सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी सेंडर से रिसीवर के दरमियान में, जो बिट्स का पैटर्न ट्रेवल करने वाला है और वो यूनिडायरेक्शनल है कि आपका वो टू वे है या एडवांस सिंगल वे है। तो ये आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शंस की जो डायमेंशन है वो आपने यूनी करनी है या आपकी वो टू वे है, ठीक है, या वन वे एट वन टाइम वन वे। तो ये आपके पास थ्री डिफरेंट पार्ट्स को इसमें टच करेंगे कम्युनिकेशन के हवाले से। सेकंड जो हमारा सेगमेंट है चैप्टर का वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में आप याद रखिएगा, जब कभी आपने कनेक्टिविटी करनी है, आपने ब्राउजिंग करनी है, आपको जरूरत पड़ेगी, आपके उस डिवाइस को जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी आईपी के साथ कनेक्ट होने की। और आईपी असाइन कौन करेगा? अगर आपने इंटरनेट के ऊपर अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना है तो एक आईपी रिक्वायर्ड होगा डिवाइस को, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैब हो, मोबाइल डिवाइस हो, कुछ भी हो, आपको एक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं पब्लिक आईपी। इसमें हमारा टॉपिक है आज का इसके अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, पॉइंट वन इज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आईएसपी क्या होता है। आईएसपी अगर आप जानना चाहो कि हम किस आईएसपी के साथ कनेक्टेड हैं, हम किस आईएसपी के साथ कनेक्टेड हैं, हम इसको क्या यहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। शहीद अब्दुल्ला, अगर आप ये जानना चाहो, इंस्टेड ऑफ, आपको पता है कि आपने पीटीसीएल के साथ आपने वहां से परचेज किया, डीएसएल मॉडेम जो आपका है वो पीटीसीएल से आपने परचेज किया, पैकेज लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वतीन से लिया हुआ है, ठीक है, आपने वाइबर से लिया हुआ है, आपने किसी थर्ड पार्टी से, किसी और पार्टी से आपने परचेज किया आईएसपी की सर्विसेज, आपको जो आईपी आपके डिवाइस को मिल रहा है वो किस आईएसपी की तरफ से मिल रहा है, इसको कैसे जानेंगे? और आईएसपी होता क्या है? आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपको आपकी डिवाइस के ऊपर, जब आप घर पे होते हो, ऑफिस में होते हो, अपने बिजनेस में होते हो, तो आप अपनी डिवाइस को जब ऑन करते हो उसके पास एक आईपी आपको जैसे ही अवेलेबल हो जाता है, इसे बोलते हैं पब्लिक आईपी। आईएसपी आपको क्या देता है? एक पब्लिक आईपी, और एक होता है आपके पास प्राइवेट आईपी। आपको क्या रिक्वायर्ड है कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट के ऊपर? पब्लिक आईपी। अगर मैं आपको कहूं कि आपने जी वतीन, हम लोग वतीन का यूज कर रहे हैं, आईएसपी वाले, आईएसपी हमारा कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हमने किनसे लिया हुआ है, उन्होंने हमें यूजर पासवर्ड दिया हुआ है जिसके थ्रू हम उनके डिवाइस को यूज करते हुए आप इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट हो रहे हो। हम लोग जिनकी सर्विसेज ले रहे हैं वतीन है, ठीक है। घर पे जो हमारे सर्विसेज चल रही है, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जो पब्लिक है, जो होम यूजर्स हैं, वो ज्यादातर इंटरनेट की सर्विसेज कौन सी यूज कर रहे हैं, प्रोवाइडर कौन है? पीटीसीएल, ठीक है। तो कुछ वतीन भी यूज कर सकते हैं। अब यूएई के अंदर इत्तेसालात का है, ठीक है, अमेरिका में आईएसपी उनके और होंगे। जरूरी नहीं कि आप आईएसपी वर्ल्ड अपना पूरी कंट्री में एक ही यूज हो, जैसे हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वतीन का भी यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे वाइबर का भी यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसका पीटीसीएल का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी बेशुमार आईएसपी की लिस्ट है जो आपको सर्विस दे रही है पाकिस्तान के अंदर। आप गूगल के ऊपर सर्च करो कि आईएसपी इन पाकिस्तान, ये आपका टास्क है, लिख लो ISPs in Pakistan. कौन कौन